क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम. कितना आंसर है 1.5 कितनों का आया. देखो इसमें ना वॉल्यूम कह रहा है छोटा हो गया, तो क्या करना है, जो वॉल्यूम नया वॉल्यूम है वो 1/64 टाइम पुराना वॉल्यूम है, नया वॉल्यूम का रेडियस ये आ जाएगा, पुराने का जो रेडियस है ये जो वॉल्यूम है 4/3 π r³ आ जाएगा. तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू r² की क्या आएगी, r₁/4. ठीक है, तो रेडियस रिलेशन आ गया. अर्थ घूमते घूमते जब छोटी होगी और मास रिमेनिंग दी सेम, तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, I₁ ω₁ = I₂ ω₂. I₁ की वैल्यू अर्थ की क्या है, 2/5 मास, r₁² ω₁ क्या है, 2π/24 hours, 2π/T. और I₂ की वैल्यू क्या है, 2/5 × mass × r₂² और ω₂ कितना है, 2π/T₂. तो तुम r₂ की जगह रिप्लेस कर दो r₁/4, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके T₂ 1.5 घंटे का आएगा, मतलब अर्थ का टाइम पीरियड 1.5 घंटा है. और अगर ऐसा हो जाए सच में तो एक क्लास के अंदर 1.5 घंटे में आधा दिन और आधी रात हो जाए, बस इतना ही है, दिन हो गया, एक दिन की क्लास होती है, 1.5 घंटे की क्लास है, एक दिन की क्लास है, हो गया बस ठीक. अगर ऐसा हो जाए, बहुत तेज़ घूमेगी अर्थ गोल गोल गोल, ठीक, बंद करना है, बंद करना है, बंद नहीं. कैसे करना है इसे, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया भी था. अच्छा फिगर नहीं है, इसकी फिगर बना लो. एक स्टिक है जिसकी लेंथ एल है और मास एम है और लाइज ऑन अ फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैसे भी मूव कर सकती है. एक बॉल आती है एम मूविंग विद अ स्पीड वी, डायग्राम बना लो, और इसको हिट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, हिट करती है और इलास्टिकली करती है. तो कह रहा है कि मास ऑफ दी बॉल क्या हो सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, और ये स्टिक इज फ्री टू मूव. उसने बिल्कुल नहीं बोला हिंज्ड है, इट इज़ फ्री टू मूव. तो आज हमने किया था, एक रॉड अगर फ्री टू मूव है तो तीन इक्वेशंस वैलिड हैं, तो तीनों की तीनों लगाओ और मास निकालो क्या होगा इसका एम, और बताओ कितनों का आंसर आ गया. एक स्टिक को मास लगेगा तो रोटेट ही करेगी, क्या कर लेगी. मैं फिगर दे रहा हूँ, मिसिंग फिगर मैं दे रहा हूँ डी डिस्टेंस पे. इसमें इक्वेशंस पहले चेक कर लो, यही बनी, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना, मतलब करते रहना. अभी इसमें ऐसा बनना चाहिए कि जैसे ये रॉड है, ये पार्टिकल है, ये सेंटर है और ये डी है. तो ये क्वेश्चन है, एक बुलेट है जिसका मास मुझे निकालना है, वी वेलोसिटी से हिट करता है इसको यहाँ पे, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ मैं जो यूज़ करूँगा वो ml²/12 यूज़ करूँगा, और रॉड का जो मास है वो बड़ा एम है और बुलेट का स्मॉल एम है, आपको स्मॉल एम निकालना है. अब क्योंकि स्टिक इज फ्री टू मूव, तो पहली इक्वेशन क्या लगेगी, पहली इक्वेशन लगेगी mv × d mvr इज i टाइम्स ओमेगा. आज हमने किया, पहली इक्वेशन तो ये बनेगी mvr इज i टाइम्स ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1, सही है. कोई डाउट इसमें. सेकेंड,
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में ये मास है वेलोसिटी वी के साथ आ रहा है और स्टिक का मास कैपिटल एम है और किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। उसके बाद जो स्टिक है वो मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, सेंटर ऑफ मास, और ये बुलेट किस पे आ जाता है, एट रेस्ट। इक्वेशन क्या बनेगी, एम वी प्लस जीरो इज जीरो प्लस एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन नंबर टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बुलेट और स्टिक का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लिया, बुलेट का एम वी है और स्टिक का पहले जीरो है और फिर स्टिक का एम कैपिटल एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास है और बुलेट का जीरो है, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तीसरा इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बोलो, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर बुलेट के लिए, स्टिक के लिए जीरो, फिर स्टिक के लिए कितनी, हाफ आए ओमेगा स्क्वायर और स्टिक के लिए हाफ इंटू बड़ा एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर थ्री। मैंने बना के भी दिखाई थी, अभी फिर से बना के दिखा रहा हूं, तीन ही क्वेश्चंस क्लियर हैं। इन्हें सॉल्व करके छोटा एम निकालना है, बस मुझे तो एक ही चीज बता दो, इसमें क्या चीजें मैंने अपने मन से एज्यूम की हैं जो क्वेश्चन में नहीं है, चलो इसी क्वेश्चन बोलो, क्या चीज एज्यूम की गई है, एक ये रही, ये तो गिवन नहीं है, और नहीं गिवन, कोई बात नहीं, ओमेगा तो यहां से निकाल ही सकते हो, कितना एम वी डी बाय आई, ये तो गिवन है, और यहां से वी सेंटर ऑफ मास तो निकाल ही सकते हो, वी सेंटर ऑफ मास सेकेंड इक्वेशन से एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, तो ऐसा करो यहां पे वैल्यू पुट कर दो और यहां से ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, छोटा एम निकाल लो, अब करो शो, देखो ना वी सेंटर ऑफ मास और ओमेगा तो मैं खुद ही निकालूंगा ना, ये मैंने खुद एज्यूम किया था, इसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे, तो इसके अंदर ये वैल्यूज को जरा पुट कर लें, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ये देखो, तो इसमें हाफ छोटा एम वी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा की जगह पुट कर लेते हैं, एम वी डी डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर क्या थी, अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाय बड़ा मास का स्क्वायर, सही है, इसको ओपन करते हैं, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू छोटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा मास इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बड़ा मास का स्क्वायर, सही, ओपन कर दिया, तो इसमें अब थोड़ी कैंसलेशन कर लें, छोटा मास छोटा मास छोटा मास और बड़ा मास कैंसल, वी स्क्वायर बाय टू, आई से आई भी कैंसल, एम इंटू वी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस हाफ एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, अब एक काम करते हैं, हाफ 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 भी कैंसल और यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा एम कॉमन निकाल लेते हैं और अदर वी स्क्वायर भी मेरे ख्याल से कैंसिल ही है, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये वन बच गया
ये एम डी स्क्वायर बाय आई बच गया प्लस ये स्मॉल एम बाय कैपिटल एम बच गया ऐसे। तो ये वैल्यू आ गई, वन इज इक्वल टू स्मॉल एम कॉमन आ गया, डी स्क्वायर बाय आई आ गया प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू आ गई वन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय आई आ गया प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम की वैल्यू आ गई। अभी काम करते हैं, ये बॉडी आई की फॉर्म में क्या पुट करें, बड़ा एम एल स्क्वायर बाय 12, आई की जगह एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस स्मॉल एम और कैपिटल एम। अब अभी काम करो, जब सिंप्लीफाई करना और ऑप्शन मार्क करना, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सिंप्लीफाई कर लो इसे। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, इसका मतलब तीन अर्जी जो हमने लगाई या तीन इक्वेशन लगाई वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कैसे लगनी है समझ में आ रहा है कोलिजन्स में, ठीक है। वन बाय हमारा है कहाँ पे, ये वाला स्मॉल एम कॉमन लिया, डी स्क्वायर बाय आई, अच्छा हाँ यहाँ पे स्मॉल एम नहीं आएगा, वन आएगा राइट, ठीक है ठीक है, वन आएगा राइट। अब सही है, अब करके देख लो कि आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन कर लेना। नेक्स्ट करते जाओ प्लीज। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन मार्क कर लेना। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या आ रहा है, अभी किया हमने सी ऑप्शन 24 बाय एन स्क्वायर, ये मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर कितना, तो इसमें ना एक डिस्क है, एक डिस्क है ना, यूनिफॉर्म डिस्क, हाँ डिस्क का आई वन कितना गिवन है, 1 kg मीटर का स्क्वायर। इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा वन, ओमेगा वन कितना है, 100 रेडियंस पर सेकेंड। एक और डिस्क को जेंटली प्लेस कर दिया, आइडेंटिकल डिस्क है तो आई वन और आई टू की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, आपको बताना है नया ओमेगा क्या होगा। अभी किया हमने आई वन इंटू ओमेगा वन, फिर आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू, इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू वन है, ओमेगा टू की वैल्यू निकालो पहले। ओमेगा टू पूछा नहीं है, आगे कुछ और पूछा है, ओमेगा टू निकालो पहले कितना आ रहा है, 50, आगे आंसर आ गया, एनर्जी का पूछा है, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से ओमेगा वन 100 है, ओमेगा टू सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, 50 रेडियंस पर सेकेंड, ये आएगा ओमेगा टू पुट करना। अब आपको क्या निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले आप इनिशियल एनर्जी निकाल लें, हाफ आई वन इंटू ओमेगा वन स्क्वायर, आई वन वन है और ओमेगा वन कितना है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी फाइनल निकाल लें, फाइनल दो डिस्क इकट्ठी घूम रही हैं, आई वन प्लस आई टू विद ओमेगा टू, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें और फिर चेंज इन एनर्जी के लिए इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करें और चेक करें क्या आंसर आ रहा है, वैल्यू पुट करके चेंज निकालें क्या आ रहा है। वैसे तो 2500 आ रहा होगा, 2500 आ रहा है, लेकिन किलो जूल में पूछा है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलो की वजह से, तो आंसर 2.5 आएगा।
ठीक, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्या? प्रोडक्ट ऑफ डी ऑप्शन है मोमेंटम इनर्शिया आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। नेक्स्ट सिक्स्थ, क्या क्वेश्चन है? एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वन रेवोल्यूशन पर 16 सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी 1/16 टू वन रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 आरपीएस आरपीएस। तो क्या निकालना है? विदाउट एक्सटर्नल टॉर्क, तो यानी कि I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। अब क्योंकि तुम ओमेगा चेंज कर रहे हो तो आई भी क्या हो रहा है? चेंज। और तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो मास अगर सेम है तो रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो पहले के वन है तो एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा, वन का मतलब 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, आई टू का मतलब एम इंटू के टू स्क्वायर और ओमेगा का मतलब 2 पाई इंटू सेकेंड फ्रिक्वेंसी। सॉल्व कर लें के वन और के टू या के टू बाई के वन की क्या निकालना है इन टू केसेस, तो निकाल लें इसमें एम से एम कैंसिल, रेशियो निकालें आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? फ्रीक्वेंसी की रेशियो को कैसे यूज़ करना है? पीछे आंसर चेक कर लो क्या है, कितना बी 4:1 आ रहा है, 4:1 ठीक है बी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? तो कैसे करना है, मतलब जब आई चेंज होगा, जब ओमेगा चेंज होगा तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, इतना बड़ा गिवन है, इसका मतलब एल इज अ कॉन्स्टेंट, बात ही खत्म है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो का मतलब एल इज अ कॉन्स्टेंट, बात खत्म, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, तो ईजी है। डिस्क है, एक डिस्क है और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और रोटेटिंग विद ओमेगा 1 है, एक और डिस्क को प्लेस कर दिया I2, तो ओमेगा 2 निकालो। आज बताया मैंने I1 ओमेगा 1, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2, निकाल लेना ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, सी ऑप्शन, ठीक है। ये तो आज किया था हमने, डिस्क के ऊपर डिस्क कैसे प्लेस करनी है आंसर, तो ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? बीट्स वाला प्रॉब्लम है, ये फिगर चाहिए नहीं आपको, ये देखो सेम फिगर है, तो ये कैपिटल एम है और लेंथ एल है और ये ओमेगा नॉट के साथ रोटेट कर रहा है और दो बीट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में बीट्स कहाँ पर चले गए? बिल्कुल कॉर्नर पे चले गए, तो आपको ये बताना है कि इसका नया ओमेगा क्या होगा। तो क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1 इज I2 ओमेगा 2, I1 पहले सिर्फ और सिर्फ रॉड का पुट करेंगे इंटू ओमेगा नॉट, आज मैंने करके भी दिखाया था ये आपको, ये लो इंटू ओमेगा नॉट, I2 की जगह रॉड का तो होगा ही होगा प्लस 2 पॉइंट मासिस का भी होगा होगा इंटू ओमेगा 2, निकाल लो ओमेगा 2 ऑप्शन नंबर क्या है, देख लो कितना बी, चेक कर लो बी ऑप्शन है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन निकाल लेना। नेक्स्ट ये हमने कर लिया, नाइन्थ क्वेश्चन रिपीट।
ये वाला क्वेश्चन 10th का आंसर क्या है? तुमने फॉर्मूला क्या लगाया? ना ना, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और एल का फॉर्मूला क्या है? बोलो, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, छोटा आंसर दो, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम पी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी ई का और पी का फॉर्मूला बोलो, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, बनाओ रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का और एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? बिल्कुल सेम ही रिवीजन चल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, वही कोलिजन है, सब कुछ वैसे ही चलता जा रहा है। चाहिए ही नहीं, जिस भी एक्सिस पे है वो कह तो रहा है, वो एक्सिस तो चेंज कर ही नहीं रहा, वो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बड़ा है। भाई जब आई बड़ा है तो वहाँ की एनर्जी छोटी है, एल तो कांस्टेंट ही है, वो कह रहा है एंगुलर मोमेंटम एल कांस्टेंट है तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ 10th, अच्छा मेरे नंबरिंग गलत हो सकती है पर क्वेश्चन में ये कर रहा हूँ। अच्छा आप दूसरे में लगा रहे हो, नहीं तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था वो तो रिपीट है, वो तो छोड़ दो, मैंने कहा था वो तो रिपीट ही है। तो ये तो क्लियर है एनर्जी और आई का फॉर्मूला, अगर आई की वैल्यू, अगर मान लो आई वन बड़ा है तो ई वन छोटा है, तो ई वन लेस देन ई टू। आंसर ओ अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, नंबरिंग होता फर्क हो सकती है बट समझ में आ रहा है एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, रोटेशनल में पी की जगह एल है, एम की जगह आई है, हो गया। वो कह रहे हैं कि देखो एल कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो अगर मोमेंट इनर्शिया आई वन बड़े आई टू से तो ई वन की वैल्यू छोटी होगी, रेसिप्रोकल है ना आंसर। ठीक है यहाँ तक तो आंसर मार्क कर लेना। नेक्स्ट है 11th का आंसर क्या है, एक रिंग है, ध्यान से, एक रिंग है ऑफ मास एम और रेडियस आर इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा। अब वो कह रहे हैं दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को जेंटली प्लेस कर दिया डायमीटर पे, डायमीटर पे जेंटली घूमते घूमते प्लेस कर दिया, तो नया ओमेगा डैश क्या होगा? देखो करना कुछ नहीं है, आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू। पहले अकेली रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है रोटेटिंग विद ओमेगा। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद रिंग तो है ही है, पॉइंट मासेस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया और इनटू ओमेगा डैश निकाल लो, आंसर मार्क कर लो। पॉइंट मासेस डायमीटर के लिए ऑपोजिट है ना, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके ओमेगा डैश निकाल लो आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रिंग के डायमीटर पे अगर पॉइंट मास लगा दें तो आई बढ़ जाएगा, क्लियर है, ओमेगा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, ये रिपीट है, कुछ नहीं करना। हाँ एक और कॉन्सेप्ट है, सुन लो इसको, यही इसको यही कर देता हूँ मैं सॉल्व। एक बॉइल्ड एग है और एक रॉ एग है, कच्चा अंडा है ऐसे ही, ताज़ा ताज़ा अंडा है, और एक बॉयल करके, दोनों को घुमा दिया, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो दोनों पे, तो कौन ज़्यादा देर तक घूमेगा या किसका ओमेगा ज़्यादा होगा? हार्ड का। क्यों क्यों? क्योंकि जब वो बॉयल नहीं है, जब वो बॉयल नहीं है तो वो लिक्विड है, और घूमने पे सारा लिक्विड वॉल्स की तरफ सेंट्रिफ्यूगल से बाहर जाएगा, एक्सिस से दूर जाएगा, आए बढ़ जाएगा, ओमेगा घट जाएगा, और बॉयल होने से वो चिपक जाएगा, एक्सिस की तरफ मास आ जाएगा, आई घट जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, तो बॉयल्ड एग फटाफट फटाफट तेज तेज घूमेगा,
आंसर है। ठीक है यहाँ तक, तो क्या लॉजिक है समझ में आ रहा है? बॉयल्ड एग में आई घट जाएगा क्योंकि मासेस एक्सिस की तरफ आ जाएंगे। ठीक, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?